वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया श्रीलंका के बारे में कि कैसे ऑर्गेनिक खेती की वजह से नुकसान हुआ है। बट ऑर्गेनिक खेती अकेली प्रॉब्लम नहीं है श्रीलंका के क्राइसिस का। श्रीलंका का क्राइसिस आप ये मान लो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और हमेशा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम रहा है श्रीलंका को। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन आप ये मानो कि श्रीलंका के इतिहास में सिर्फ 9 साल ऐसे रहे हैं जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में नहीं था, वरना हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में रहा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि श्रीलंका का प्रॉब्लम क्या। देखो, श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है। जब वो एक जोक चलता था ना बीच में कि भारत श्रीलंका हमको क्या क्रिकेट में हराएगा, भारत का नक्शा खरीदने जाते हैं 1 रुपये में श्रीलंका का फ्री मिलता है, ये फैक्ट है। श्रीलंका नीचे कन्याकुमारी की तरफ नहीं है, चेन्नई से अगर आप देखोगे तो आपको रामनाथपुरम रामेश्वरम की तरफ आपको मिलेगा। कुल मिला के एक छोटा सा देश है। अब श्रीलंका का प्रॉब्लम क्या है? श्रीलंका का प्रॉब्लम ये है कि एक ट्विन डेफिसिट कंट्री है। इकोनॉमी में टर्म होता है ट्विन डेफिसिट, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो नेशनल एक्सपेंसेस हैं वो नेशनल इनकम से ज़्यादा होगा, प्लस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक देश के अंदर साल भर में, ट्रेडेबल गुड और सर्विसेज, वो एडिकेट नहीं है आपके लिए भरपूर विदेशी मुद्रा लाने में। तो ये दोनों प्रॉब्लम, दोनों पॉइंट्स श्रीलंका के अगेंस्ट में जाते हैं। अब ये वीडियो मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ बेसिकली श्रीलंका का प्रॉब्लम क्या है, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि श्रीलंका देखो बर्बाद हो गया, भारत भी गलत रास्ते पर चल पड़ा है, भारत भी बर्बाद होगा। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरी फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, जो इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं कमेंट कर रहे हैं कि भारत श्रीलंका बनने से एक कदम दूर है, और फिर एक तरफ ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो नेतृत्व है वो अच्छा नहीं है, फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि श्रीलंका में जो ऑल द की पोस्ट्स हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल परिवार के पास है, और फिर दूसरी तरफ ये कह देते हैं कि मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। जब वो ये कहते हैं कि श्रीलंका बन जाएगा भारत, तो वो हर उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं जो इंडिया में मौजूदा सरकार नहीं कर रही है। मतलब आपको पूरा वीडियो देखना समझ आएगा ये चीज़। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी एक कंट्री जो ट्विन डेफिसिट में होती है उसका नुकसान क्या होता है? इंडिया भी ट्विन डेफिसिट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया श्रीलंका नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि ट्विन डेफिसिट नहीं है। हम श्रीलंका नहीं बनेंगे ये पक्का है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बनेंगे कि ट्विन डेफिसिट नहीं है, हमारे कारण और है। ट्विन डेफिसिट होने के नुकसान क्या है? सबसे पहली बात, कर्ज़ा बहुत लेना पड़ता है, कर्ज़ा लेना ही पड़ेगा। बिना कर्जे के एक ट्विन डेफिसिट देश नहीं चल सकता आज के मौजूदा देश में, वो भी तब जब आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ चाहिए। उसके बाद फॉरेन जो कैपिटल आएगा, फंडिंग आएगा, उसका इनफ्लो हमें चाहिए, और वो चाहिए बाहर से। मतलब विदेशी मुद्रा तो देश में आनी चाहिए लेकिन वो बाहर से ही आ सकते, हम तो जनरेट कर नहीं सकते क्योंकि ट्विन डेफिसिट चल रहा है, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कमाई कम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो देश के अंदर बना रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि हम बाहर भेज सके और उससे पैसा आ जाए। श्रीलंका कैसे लेता था ये चीज़? श्रीलंका लेता था ये चीज़ ट्रैवल के थ्रू। ट्रैवल का क्या हुआ? कोरोना में ट्रैवल हो गया पूरी तरह से बर्बाद। तीसरी चीज़, करेंसी का डेप्रिसिएशन समय समय पर अपने आप होता रहेगा अगर आप ट्विन डेफिसिट हो। एक समय आएगा जब आपकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम होते 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 एक दिन बहुत कम हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात होगी हाई इंटरेस्ट रेट। देखो, जब आप ट्विन डेफिसिट पे होगी, आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होगी, आप हैवीली रिलाय करोगे फॉरेन मदद के ऊपर, कर्जे ज़्यादा होंगे, जब कर्जे ज़्यादा होंगे रिस्क ज़्यादा होगा, तो हाई इंटरेस्ट भी उसके हिसाब से ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने एक बात बोली बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम क्या होता है? देखो, अगर आपको पता हो कि 1991 में बीच में एक वीडियो मैसेज चला था ना कि लोग या कांग्रेस वाले क्यों प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, 1991 में मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की थी, फिर वो 3 प्राइवेट बैंकों के नाम भी थे, HDFC, ICICI और पता नहीं जो भी थे। तो कहने का मतलब था कि 1991 में जो इंडिया में था, जिसकी वजह से भारत को ये सब करना पड़ा, वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आप सिंपल इतना समझ लो कि विदेशी मुद्रा का भंडार होता है हमारे पास और हमको कुछ पेमेंट्स विदेशी मुद्रा में करने होते हैं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तैयारियां कर रहा था कुछ, तो मैंने सवाल पूछा था किसी से, इकोनॉमी के टीचर से, कि जो करेंसी होती है हमारे पास क्या वो हार्ड कैश में हमारे पास होती है? मुझे इसका आंसर आज तक नहीं मिला कि क्या हमारे पास वाकई में नोट छपे हुए डॉलर हम रखते हैं या हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं अमेरिकन बैंक्स के साथ। मोस्ट प्रोबेबली वी मेंटेन एन अकाउंट विद अदर बैंक्स और उसके अंदर जो बैलेंस होता है हमारा वो विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको विदेशी मुद्रा में करने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल इम्पोर्ट्स। इंडिया में अगर सबसे बड़ा बिल है कोई खर्चा जो विदेशी मुद्रा में हमें करना पड़ता है वो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं। ऑयल इम्पोर्ट्स अगर इंडिया ज़ीरो कर देता है तो हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत एक्सेस में हो जाएगा, हमको इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे जीवन में कभी नाम ही नहीं सुनेंगे हम इंडिया में। बट ओके, कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। 1991 में भारत के पास
इम्पोर्ट्स का पैसा देने के लिए डॉलर नहीं थे, मतलब ये क्राइसिस था इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया ने 91 में अपना मार्केट ओपन किया, विदेशी कंपनियों को हमने बुलाया, विदेशी बैंकों को भारत में बुलाया, पोर्ट्स ओपन कर दिए, इंश्योरेंस ओपन कर दिया, डिफेंस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स हमने ओपन कर दिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को छोड़ के, और उस वजह से 91 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था वो टल गया। अब श्रीलंका का क्या होगा? देखो, भारत और श्रीलंका को सिर्फ इसलिए कंपेयर करना कि आपके मन में पॉलिटिकल कुंठा है और आप चाहते हैं कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री फेल हों इकोनॉमी फ्रंट पर, इसलिए आप भारत को श्रीलंका से कंपेयर कर दे कि भारत भी फेल होगा, ये गलत है। भारत का बजट डेफिसिट 5-6% होता है, श्रीलंका का बजट डेफिसिट ही 10% से ज़्यादा था। बजट डेफिसिट फर्स्ट पार्ट, फॉर एग्जांपल हमने जितनी उगाही की पूरे साल भर में या जितना हम प्लान करते हैं, इनकम टैक्स से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से आएगा, और प्रकार के टैक्सों से जितनी भी हमारी सरकार की कमाई होगी, सरकार की बेसिक कमाई तो टैक्स ही होती है, उसके बाद फ्लाईओवर बनते हैं या जो पंजाब को 50,000 करोड़ का पैकेज मांग लिया वो इसी टैक्स के पैसे से मांगा जाएगा, फिर जितने सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनेंगे, हेल्थ है सेक्टर में दिया गया, वैक्सीन का जो पैसा दिया गया, वो सारा होता है खर्चा। इसमें हमेशा ही एक डेवलपिंग कंट्री जितना कमाई करती है उससे ज़्यादा खर्च करने का ट्राई करती है ताकि मार्केट में पैसा पंप करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का फंडा होता है। श्रीलंका का बजट डेफिसिट 10-11% था, हमारा 5-6% था, उसको भी हम ला रहे हैं, हम बजट सरप्लस में जाएंगे एक समय के बाद। श्रीलंका छोड़ो उस बात को, भारत का ट्रेड डेफिसिट 193 बिलियन डॉलर है, श्रीलंका का ट्रेड डेफिसिट 1100 मिलियन डॉलर था। ये इतना कम इसलिए है क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी की अगर आप बात करो, इकोनॉमी की साइज़ की, हम लोग $5 trillion इकोनॉमी बनने जा रहे एम कर रहे हैं 2025 तक, उससे पहले भारत इस समय अगर मौजूदा बात करूं, मैं बिलियन डॉलर में बात करूं, 3.5 बिलियन डॉलर की भारत की टोटल GDP है, श्रीलंका की सिर्फ $81 बिलियन की है। तो कुल मिला के श्रीलंका का प्रॉब्लम भारत की प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो इस वीडियो में शायद आप लोगों को पसंद नहीं आए वो ये है कि श्रीलंका में 2-4 ऐसी चीज़ें पिछली सरकारों ने की जिसका कोई जवाब नहीं है और आज भारत सरकार उससे कई फ्रंट पर अलग खेल रही है। फॉर एग्जांपल भारत ओपन हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के लिए, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रहा है, श्रीलंका कैपिटलिस्ट से वापस सोशलिज्म की तरफ चल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारीकरण खराब है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि श्रीलंका ने क्या किया, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन डेटा, आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो फिर मेरी बात सुनो। श्रीलंका का पब्लिक सेक्टर इंडिया की तरह ही है, बैंक में है, पोर्ट्स पे है, एनर्जी सेक्टर में है, वाटर पे है, काफ़ी चीज़ों पे मतलब पब्लिक सेक्टर का कब्जा है। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि श्रीलंका में जितनी सरकारी कंपनियां थी वो 2009 से 2014 तक डबल हो गई, मतलब समझ रहे हो, 2019 की रिपोर्ट के आसपास श्रीलंका में 530 सरकारी कंपनियां हैं और इनका जो टोटल नुकसान है वो इतना ज़्यादा है कि एक आम श्रीलंकन मतलब आम आदमी पर इसका भुगतान पड़ रहा है और इसी वजह से श्रीलंका की आज ये हालत हो गई है। मुझे लगता है श्रीलंका बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो गलतियां हुई है उससे हमें सीखने की ज़रूरत ज़रूर है। और ये वीडियो से आप चीज़ इसलिए भी सीखो क्योंकि किसी से बहस करोगे सरकारी विरुद्ध प्राइवेट, मोदी विरुद्ध राहुल, कांग्रेस विरुद्ध बीजेपी, श्रीलंका विरुद्ध भारत, तो आपके फैक्ट सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स ये कहते हैं कि सरकारी कंपनियों ने 2016 में श्रीलंका को $14 करोड़ का लॉस दिया, क्यूमुलेटिव लॉस सरकारी तंत्र से चला गया। उसके बाद 2017 में ये लॉस डबल हो गया $29 करोड़। क्यों हो गया? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो खुद वहाँ के मार्केट को ओपन करने को अपोज कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2021 में उन्होंने सारे केमिकल वाले जो भी फर्टिलाइजर्स थे उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। तो कुल मिला के एक मॉडल बनने का ट्राई था, सोशलिस्ट कंट्री बनने का ट्राई था, मॉडल बन रहे थे, हेल्दी बन रहे थे, ये बैकफायर कर गया। बैकफायर की सिचुएशन ये हो गई कि फॉरेन रिजर्व जो है श्रीलंका का वो 70% डाउन है। फरवरी का फिगर ये कहता है कि $2-2.5 बिलियन उनके पास हैं विदेशी मुद्रा में और $4 बिलियन का उनको भुगतान करना है। कर्जे ले रखे हैं श्रीलंका से, ले रखे हैं 12-13 बिलियन डॉलर के कर्जे हैं, उनका इंटरेस्ट ही इतना चला जाता है कि इनके बस की नहीं, फिर तेल का पेमेंट इनको करना है। तो कुल मिला के श्रीलंका ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। और ये मेरे को ही नहीं, मतलब मैं तो खैर श्रीलंका में अभी मतलब इंटरेस्टेड हुआ हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है 2019 की, वो कहती है कि श्रीलंका एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है। COVID-19 आने के बाद तो क्लियर ही था, दुनिया के कैपिटल मार्केट से बाहर ही चला गया था श्रीलंका। इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि अब यहाँ से क्या होगा श्रीलंका का? देखो, संभवतः श्रीलंका बच जाएगा। श्रीलंका पे चाइना ने बहुत ज़्यादा कब्जा करने का ट्राई किया, इंडिया ने $1 बिलियन
तुरंत में दे दिया है। हम 500 मिलियन डॉलर का तेल भी उधर भेज रहे हैं, 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी उनको दे देंगे। श्रीलंका भी, चाइना भी हेल्प कर रहा है, दुनिया के कई देश हेल्प कर रहे हैं। श्रीलंका शायद इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में मतलब समय के साथ चलना पड़ता है, ये डिमांड होती है। और अब आप खुद डिसाइड करो कि भारत को श्रीलंका की राह पर चलना चाहिए या भारत की राह पर। अगर नहीं चलना है तो कौन सी राह अच्छी है, कौन सी खराब है, और भारत में जो इस समय हो रहा है क्या वो श्रीलंका की तरफ ले जाएगा, या श्रीलंका में क्या नहीं होना चाहिए जो उसको भारत बना दे या चाइना बना दे, अमेरिका बना दे। कमेंट बॉक्स में बताओ। जय हिंद।